हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस भोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गाढ़ी मलाईदार मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इसे घर में रखे सामानों से ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, एक आम लिया है, थोड़ी सी फ्रेश मलाई ली है, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर और थोड़ी सी चीनी ली है। दूध को मैंने पहले ही गाढ़ा कर लिया है। मैंगो के छिलके उतारकर उसके पल्प निकाल लेने हैं। अब कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा ठंडा दूध ऐड करके उसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बाकी बचे दूध में चीनी ऐड करेंगे, गैस ऑन करके उसे गर्म होने देंगे। जब हल्का गर्म हो जाए तो कस्टर्ड वाला मिल्क उसमें डालकर उसे चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से चम्मच से फेंट लिया है। आम का भी गुद्दा इस तरह से निकाल लेंगे। अब मिक्सर ग्राइंडर में आम और क्रीम को डालकर उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो कस्टर्ड वाला मिल्क इसमें ऐड करेंगे और उसे भी दो तीन बार मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से चला देंगे। थोड़ा सा नमक चुटकी भर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए कितना क्रीमी सा देखने में लग रहा है। इसकी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट होगी। अब किसी बर्तन में सारे मिक्सचर को ऐड कर लेंगे इस तरह से और इसे टैप करते हुए फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। यहाँ ये मेरी आइसक्रीम जमकर रेडी हो चुकी है। ढक्कन लगा देंगे जिससे ऊपर बर्फ नहीं जमे। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम जम चुकी है। अब नाइफ की सहायता से इसके चारों तरफ चला लेंगे। और बर्तन को किसी दूसरे प्लेट में पलटकर आइसक्रीम को निकाल लेंगे इस तरह से टैप करते हुए। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम, सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। और ये आपके घर पे रखे हुए सामानों से ही बनकर रेडी हो जाती है। इसे मैंने 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था। इस पर देखिए जरा सा भी बर्फ नहीं जमी है। इसे कट करके आप खा सकते हैं इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।